हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सो अच्छे होंगे। दोस्तों अगर आप भी अपने फ़ोन से कुछ इस तरह से पोस्टर डिज़ाइन करना चाहते हैं बसंत पंचमी का, तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखना है, ताकि आप खुद से ऐसे पोस्टर डिज़ाइन कर सको। दोस्तों इसका PLP फाइल मैं आपको दे दूँगा। PLP फाइल में पासवर्ड लगा होगा और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में दो स्टेप में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको PLP फाइल का पासवर्ड मिल जाए और जिप फाइल को आप अनजिप कर सके। तो चलिए दोस्तों, समय न गंवाते हुए करेंगे हम अपने वीडियो को यहाँ से स्टार्ट। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों करते हैं अपना वीडियो को यहाँ से स्टार्ट। दोस्तों अपने फ़ोन में पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको न्यू में दिखेगा, बीच में दिखेगा कुछ इस तरह का न्यू टैक्स। सबसे पहले दोस्तों यहां से आपको न्यू टैक्स को दोस्तों रिलेट कर लेना है। दोस्तों न्यू टैक्स का रिलेट करने के लिए लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर एक रिलेट का बॉक्स आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे तो ये न्यू टैक्स यहाँ से रिलेट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं जो आपको PLP फाइल दूंगा उसको ओपन करना है। दोस्तों अगर आपको PLP फाइल डाउनलोड करने नहीं आता, ओपन करने नहीं आता और पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ऐड करने नहीं आता, तो इस पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से दोस्तों आप देख करके सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां से मैं अपना PLP फाइल ओपन कर लेता हूँ। PLP फाइल ओपन करने के लिए सिंपली राइट साइड में सबसे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे, सबसे नीचे से तीसरे नंबर ओपन PLP फाइल पे जाएंगे। जैसे ओपन PLP फाइल पे जाएंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस वहाँ आपको देखने को मिलेगा, अगर आप भी अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में PLP फाइल ऐड करके रखोगे तो। तो दोस्तों यहाँ से आपको जिसका पोस्टर या बैनर डिजाइन करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, एक बार ओके करके हम कुछ इस तरह से एक बार बैक आ जाएंगे। दोस्तों अगर आपको इसमें कुछ भी एडिट करना है आपको अपने हिसाब से, तो बहुत ही इजीली कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों राइट साइड में सबसे ऊपर 3 डॉट के नीचे एक लेयर का ऑप्शन है, इस पर चले जाएंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ से दोस्तों आप देख सकते हैं जो रेड है ना, सब ये लॉक है। इसको अगर आपको दोस्तों एडिट करना है तो इसको अनलॉक कर लेंगे, दोबारा लेयर के ऑप्शन पर चले जाएंगे, फिर आप एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक आपको फोटो लगाना है अपना, फोटो PNG, अपना नाम लिखना है, अपने सोशल मीडिया का यूजर नेम देना है। दोस्तों बसंत पंचमी का पोस्टर बनके आपका तैयार हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आप अपना फोटो PNG कैसे लगाएंगे। दोस्तों अपना फोटो PNG लगाने के लिए लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक कर देंगे, सबसे नीचे से दूसरे नंबर फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे और गैलरी में से अपना एक फोटो PNG सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए मैं एक अपना फोटो PNG सेलेक्ट कर लेता हूँ। कुछ इस तरह से दोस्तों हमने एक अपना फोटो PNG सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों अगर आपको कुछ इस तरह से HD में फोटो PNG बनाने नहीं आता, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक दोस्तों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से दोस्तों आपको कुछ इस तरह से HD में फोटो PNG बनाना सीख सकते हैं। दोस्तों इसको यहाँ से कर देंगे राइट। दोस्तों इस कुछ इस तरह से जैसे राइट करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पर आ जाएगा फोटो PNG। इसको मोटे वाले बिंदु पर टैप करके दोस्तों कुछ इस तरह से हम छोटा कर लेंगे, और फोटो PNG पे टाइप करके दोस्तों हमें जहां अपना फोटो PNG लगाना है वहां कुछ इस तरह से आप अपना फोटो PNG ले आएंगे, ताकि देखने में कुछ इस तरह से अच्छा लगे। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा करके दोस्तों एडजस्ट कर लेंगे। जैसे आपका फोटो PNG दोस्तों लग जाएगा, उसके बाद दोस्तों नाम लिख लेंगे। नाम लिखने के लिए दोस्तों सिंपली लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर दोस्तों लिखा होगा टैक्स, इस पर क्लिक कर देंगे, टैप करके दोस्तों टैक्स को नीचे लाएंगे, डबल टैप करके यहाँ से सबको बैक कर देंगे। जो भी आपका नाम होगा दोस्तों आप अपना नाम यहाँ पे लिख लेंगे। तो कुछ इस तरह से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे देवा ग्राफिक्स, और राइट साइड में सबसे ऊपर कर देंगे ओके। उसके बाद दोस्तों इसमें हम फॉन्ट ऐड करेंगे, कलर ऐड करेंगे। उसके लिए दोस्तों ए वाले फॉन्ट पे चले जाएंगे, इसको स्क्रॉल कर देंगे यहाँ से। दोस्तों सबसे ऊपर आपको देखने को मिलेगा पैडिंग, पैडिंग पे चले जाएंगे, दोनों को हम दो 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 कर देंगे कुछ इस तरह से, और यहाँ से कर देंगे दोस्तों राइट। इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कलर, कलर वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, इसको स्क्रॉल करेंगे थोड़ा थोड़ा, जो भी आपको कलर लेना होगा वो आप अपने हिसाब से ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं व्हाइट सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से कर देंगे राइट। इसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको AV फॉन्ट पे चले जाएंगे। जो भी फॉन्ट दोस्तों आपको रखना हो आप अपने हिसाब से अपना फॉन्ट सेलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पे दोस्तों अपना फॉन्ट ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से कर देंगे ओके।
और दोस्तों इस पर टैप करके, मोटे वाले बिंदु पर टैप करके आपको इसको अपने साइज में कर लेना है जैसा आप रखना चाहते हैं, कुछ इस तरह से। दोस्तों कम्प्लीटली दोस्तों हमारा नाम भी लिख चुका है। इसके बाद दोस्तों आपको अपने सोशल मीडिया का यूजर नेम भी देना है। उसके लिए लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर प्लस के आइकन पे चले जाएंगे, सबसे ऊपर एक टैग्स ले लेंगे, टैप करके दोस्तों नीचे ले आएंगे। जिस तरह से दोस्तों उसमें हमने कलर और फॉन्ट डाला था उसी तरह से सेम इसमें भी कलर और फॉन्ट डालेंगे। उसके लिए डबल टैप कर लेंगे, यहाँ से दोस्तों सबको बैक कर देते हैं, बैक कर देंगे जो भी आपके सोशल मीडिया का यूजर नेम होगा। दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने सोशल मीडिया का यूजर नेम लिख लेंगे, राइट साइड में सबसे ऊपर ओके कर देंगे कुछ इस तरह से। इसके बाद दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले कलर ऐड करना है, कलर वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे, व्हाइट कलर हम लेना चाहते हैं तो व्हाइट सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से कर देंगे राइट। इसको स्क्रॉल करेंगे, ए वी फॉन्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, यहाँ से जो भी आपको फॉन्ट अपना रखना हो आप अपना फॉन्ट दोस्तों यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, इसको भी यहाँ से ओके कर देंगे। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हमने फॉन्ट भी ऐड कर दिया, कलर भी ऐड कर दिया है। इसका साइज थोड़ा छोटा बड़ा करना होगा तो दोस्तों फॉन्ट वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे, इसको हम साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं कुछ इस तरह से। इसके बाद आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे करके इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो कम्प्लीटली दोस्तों हमारा बसंत पंचमी का पोस्टर बनके तैयार हो चुका है। इसको दोस्तों आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। दोस्तों गैलरी में सेव करने के लिए बीच में सबसे ऊपर एक शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। बीच में दिखेगा दोस्तों आपको कस्टम, कस्टम पे क्लिक करके सबसे नीचे अल्ट्रा कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे सेव टू गैलरी। जैसे सेव टू गैलरी करेंगे दोस्तों तो ये पोस्टर बन के आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।